हेलो डियर स्टूडेंट्स हम न्यूमरकलिस में इंटरपोलेशन ज्ञात करने की एक विधि अपन पढ़ चुके हैं जो कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला था ठीक है आज हम आपको इक्वल इंटरवल के लिए एक मेथड और करवा रहे हैं जो कि न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगरी पश्चांतर यह है आज हम करवाने जा रहे हैं ठीक है तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए जो है आप कर चुके हैं और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी अपन कर चुके हैं और इक्वल इंटरवल के लिए एक मेथड और है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कब यूज में लिया जाता है यह भी हम बताएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला देखें क्या होता है फिर उसका प्रूफ करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला होता है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगरी पश्चांतर अंतर्विश्रा सूत्र भी कहते हैं यदि वाईस टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो और ये जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्वतंत्र चर x के n मान, जो कि इक्वल इंटरवल के हैं और उनके संगत y या एफ एक्स के मान निम्न हैं x के मान ये दे रखें a, a प्लस एच ए प्लस टू एच अप टू ए प्लस एन माइनस वन एच एंड ए प्लस एन एच ए प्लस एन एच तो ये टोटल एन प्लस वन मान है इनके कॉरस्पोडिंग एफ एक्स के मान है ए के संगत मान होगा एफ ए इसमें रखेंगे ना एक्स की जगह ए रखेंगे तो एफ ए आ जाएगा ए प्लस एच यदि इसमें रखेंगे एफ एक्स का मान एफ ए प्लस एच होगा ए प्लस एन माइनस वन इन एच रखेंगे तो एफ एक्स का मान होगा एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच और अंतिम मान रखेंगे एफ ए प्लस एन एच के कॉरस्पोडिंग जो मान होगा वो एफ ए प्लस एन एच ठीक है तो हमें एन प्लस वन इक्वल इंटरवल वाले मान दे रखे हैं और उनके संगत एफ एक्स के मान पता हो तो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है वो ये फॉर्मूला है एफ एक्स इक्व टू एफ ए प्लस एनएच ठीक है वहां हमने जो मान लिया था वो ए लिया था क्या लिया था एफ ए आ रहा था यहां पर एफ ए प्लस एनएच आ रहा है चूंकि वो फॉरवर्ड इंटरपोजिशन फॉर्मूला था तो फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं एक्स के मान स्टार्टिंग से जो है लेते हैं पहला मान जैसे क्या था ए तो फॉरवर्ड वाले में एफ ए आया था यहां पर और चूंकि ये बैकवर्ड है तो हम इसका मान लास्ट से स्टार्ट करेंगे ए प्लस एन एच से तो सबसे पहले आप देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को समझिए यदि वो फॉर्मूला क्लियर है तो फिर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो वो फॉर्मूला क्या था पहले हम उस फॉर्मूले को देखें एक्स के और एफ एक्स के मान तो यही है एन प्लस वन इक्वल इंटर वाले मान ए ए प्लस एच ए प्लस टू एच अपू ए प्लस एनएच इनके कोरस्पॉन्डिंग मान यदि हमें ये पता हो तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या था एफ एक्स टू ये स्टार्टिंग संगत मान क्या है एफ एफ ए प्लस फर्स्ट वैल्यू क्या है ए तो ये एक्स माइनस इस एक्स में से ये वैल्यू घटाएंगे एक्स माइनस ए इंटू डेल ऑफ एफ ए अपॉन फैक्टर वन इंटू एच ठीक है फिर प्लस फिर हम दो वैल्यू लेंगे फर्स्ट डिफरेंस लेंगे तो एक फैक्टर लेना जब डेल्टा टू आएगा तो दो फैक्टर लेंगे दो गुणन खंड लेंगे कौन कौन से दो मानों के ये दो मान लेने हैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए प्लस एच ठीक है उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे यानी कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर डेल्टा टू एफ ए जब थर्ड डिफरेंस आएगा तो उसमें तीन मान आएंगे एक्स के तीन मान वन टू थ्री तो क्या मान आएंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच इन टू एक्स माइनस ए माइनस टू एच अपॉन फैक्टोरियल थ्री एच क्यूब और डेल थ्री एफ ए इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज ले रहे हैं डेल ऑपरेटर अप टू लास्ट मान क्या होगा एन एथ डिफरेंस ऑफ एफ एपॉन टू पावर एन और इसमें मान होंगे तो एन मान यहां तक है ये एन प्लस वन मान तो ये डिफरेंस आएंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच अपू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच यहां तक मान आएंगे तो यदि ये फॉर्मूला यदि क्लियर है तो फिर बैकवर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कौन से फॉर्मूले में बैकवर्ड तो बैकवर्ड में क्या चेंजेस होगा वो देखिए एक ही स्थान पर ये फॉरवर्ड में तो आपका यहां से स्टार्ट होता है बैकवर्ड में लास्ट बैक से बिल्कुल अंतिम मान ए प्लस एनएच एक तो आपका एक ही स्थान पर ए प्लस एनएच आएगा अंतिम मान से चालू होगा फॉरवर्ड में प्रथम मान से स्टार्ट होता है उसमें अंतिम मान से स्टार्ट होता है नंबर एक चेंज ए के स्थान पर ए प्लस एन एच लिखना है यहां फॉरवर्ड डिफरेंस है उसमें बैकवर्ड में नेबला आएगा एक ये चेंज होगा, नेबला। तो अब क्या क्या चेंजेस होगा के स्थान पर ए प्लस एन एच आएगा ए प्लस एन एच आएगा इस तरह से मान चेंज होंगे तो अब आप जो है ना इस फॉर्मूले को देख करके ना बैकवर्ड में फॉर्मूला लिख रहा हूं तो देखिए क्या होगा एफ एक्स टू अंतिम मान क्या ए प्लस एन एच तो एफ ए प्लस एन एच प्लस एक फैक्टर लेना है तो एक फैक्टर इसी से आएगा एक्स माइनस ए प्लस nh डेल की जगह क्या लिखना है नेबला बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबला ऑफ एफ ए प्लस एनएच लास्ट का जो मान है अपॉन फैक्टोरियल वन इन एच फिर प्लस दो फैक्टर लेने तो अंतिम दो मानों से आएगा एक तो ये मान और एक ये मान तो x माइनस ए प्लस एन एच फिर x माइनस ये वाला मान अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर और नेवला टू ऑफ एफ ए प्लस एन एच प्लस एंड सोन तो इस तरह से ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं तो समझ गए होंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या डिफरेंस है फॉरवर्ड में ए से स्टार्ट होता है इसमें अंतिमान ए प्लस एन जहां जहां ए था वहां पर ए प्लस एन एच आएगा डेल के स्थान पर नेवला आएगा तो ये परिवर्तन है तो अब इसका प्रूफ करेंगे तो प्रूफ जो है ना उसी की तरह से है हम एन घात का कोई भापद पीएनएक्स निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं पीएनएक्स या एफ एक्स एफ एक्स इज इक्वस टू ए पी एन एक्स भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्व टू प्लस ए वन इन टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच ठीक है प्लस ए टू दो फैक्टर लेने अंतिम दो मानों से लेना एक्स माइनस ए प्लस एन एच इन एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच प्लस एन स्ट्रॉन तो दोबारा देख लो यदि ये फॉर्मूला आप कर लेते हैं तो यहीं से बता देता हूं मैं एफ एक्स इक्वल टू क्या बहुपद लेंगे आप इसको कोई कांस्टेंट सपोज कर लेना ए जीरो बहुपद में जैसे अपन कांस्टेंट लेते हैं ए जीरो प्लस इसको ए वन ये ए वन है एक तरह से इसको देख करके आप लिख सकते हैं बहुपद ए जीरो इसको पूरे को ए वन इसको ए टू अगला ए थ्री आ जाएगा ये और ये एन समझ गए यदि ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे तो ये वाला मान ए जीरो इसको ए वन इन ये आएगा प्लस ए टू मल्टीप्लाई बाई ये दो फैक्टर आएंगे इस तरह से ये आप बहुपद डिफाइन कर लेंगे और ये एन घात का बहुपद है क्यों है एन घात का ये अंतिम मान देखो ए एन इन ये वाला मान इसमें एक्स आ रहा है ये एक्स आ रहा है ये एक्स आ रहा है ये कितने मान है? एन मान है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स टाइम तो एन तो ये एन घात का बहुपद है जहां ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन सभी आचार हैं कांस्टेंट हैं इन कांस्टेंट के मान निकाल करके हम इस फॉर्मूले में रख देंगे आपका फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा ठीक है ए जीरो मान ज्ञात करेंगे अब इनका मान निकालना बहुत इजी है आप क्या करेंगे इस समीकरण में एक्स टू सबसे पहले आप अंतिम मान रखेंगे लास्ट मान फिर उससे सेकंड लास्ट मान फिर लास्ट थर्ड मान इस तरह से रखते हुए चलेंगे और अंत में ए प्लस एच है एन मान रखने तो एन मान ये है ये वाला मान नहीं आएगा अंतिम से चालू करेंगे और एन मान यहां खत्म हो जाते हैं जब आपने फॉरवर्ड किया था तो यहां से रखना चालू किया था एक्स इक्व टू एक्स इक्व टू ए प्लस एच और यहां तक रखा था एन मान ये वाले हैं ये फॉरवर्ड में और ये बैकवर्ड में तो लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं पुट एक्स इक्व टू ए प्लस एनएच इन इक्वेशन फर्स्ट तो एक्स इक्व टू ए प्लस एनएच रखेंगे तो एफ ए प्लस एनएच इक्व टू ए जीरो और जैसे ही एक्स इक्व टू ए प्लस एनएच यहां रखेंगे ए प्लस एनएच तो ए प्लस एन एच कट जाएगा ये वाला भी कट जाएगा सब जीरो जाएंगे तो ए जीरो का मान ज्ञात होगा ए जीरो इक्व टू एन एच ठीक है अब क्या करेंगे सेकेंड लास्ट जो अंतिम मान पहले आपने ए प्लस एनएच रखा है अब अपन रखेंगे पुट एक्स इक्व टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच तो ये मान रख रहा हूं इन इक्वेशन फर्स्ट पहले समीकरण में यह मान रखना है तो एफ एक्स की जगह मैं यह रख दूंगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इक्व टू ए जीरो ए जीरो आ जाएगा प्लस ए वन और एक्स की जगह अपन ये मान रख रहे हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस ए प्लस एन एच एक्स के स्थान पर ये वाला मान रख देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच और जैसे ही अगले वाले में यहां रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा ये वाला जीरो हो जाएगा बाकी के सब मान जीरो हो जाएंगे ए वन तक आएगा इसको हल कर लेते हैं ये तो एजिट इज आ गया एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इक्वल टू ए जीरो एजिट इज इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो ए से ए कट जाएगा और एन एच ये प्लस का है ये माइनस एन एच है ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस एच क्या बचेगा माइनस एच तो इसको मैंने लिख दिया माइनस ए वन एच ए जीरो का मान मेरे को पता है समीकरण दो से तो ए जीरो की वैल्यू रख दूंगा यहां पर और ए वन एच का मान ज्ञात कर लेंगे तो ए वन एच इक्वस टू ये प्राप्त हो जाएगा ए वन एच इक्वस टू क्या प्राप्त होगा ए वन एच इक्वस टू एफ ए प्लस एन एच यहां से देख लीजिए ए वन एच को मैं इधर ले गया ए जीरो का मान रख दिया एफ ए प्लस एन एच तो एफ ए प्लस एन एच फिर माइनस ये आ जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच ठीक है तो ये ए वन एच का मान आ जाएगा ये वैल्यू को बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या लिख सकते हैं तो आपने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था तो बैकवर्ड ऑपरेटर और उसके साथ ये वाला मान आता है एफ ए प्लस एन एच फॉरवर्ड में ये मान आता है ठीक है इसको डेल में लिखते तो यह लगता और बैकवर्ड में ये वाला लगेगा तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ ए प्लस एन एच और ये वाला एच नीचे लिख दिया ए वन इक्वल टू ये प्राप्त होगा तो ए जीरो का मान ज्ञात हो गया ए वन का ज्ञात हो गया एक मान और देख लेते हैं ठीक है अब लास्ट थर्ड मान ने ए प्लस एन एच रख लिया ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच रख लिया लास्ट थर्ड मान रखेंगे इसमें तो लास्ट थर्ड मान रखेंगे तो उससे ए टू का मान ज्ञात हो जाएगा तो x इक्वल टू ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच समीकरण एक में रखें और उसको हल करना ठीक है उसको जब अपन हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर ए टू इक्व टू एफ ए प्लस एन एच माइनस ट्वाइस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच और टू का मान है किसका मान है नेवला टू इसका दो बार नेवला का मान निकाल सकते हैं नेवला ऑफ एफ ए प्लस एनएच याद करो फिर उसके नेवला का मान याद करो ठीक है तो ये मान नेवला टू ऑफ एफ ए प्लस एच है अपॉन फैक्ट्रल टू एच स्क्वायर ए टू का मान आ गया इसको जो है मैं वैसे भी बता सकता हूं नेवला टू ऑफ एफ ए प्लस एच का मान अपन निकाल सकते हैं नेवला टू ऑफ एफ ए प्लस एच का मान एक तरीका और है इसका निकालने का अपन ने ये पढ़ा था कि नेवला इक्वस टू वन माइनस ई इनवर्स होता है इससे भी निकाल सकते हैं आप तो मैं इसको लिख दूंगा वन माइनस ई इनवर्स ऑफ स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो ये प्राप्त होगा वन माइनस टू ई इनवर्स और प्लस रेज टू दी पावर माइनस टू ऑफ f a प्लस एन एच दिस equals टू अब इसको जो है इसे ऑपरेट कराना है तो ये हो गया f a plus एन एच माइनस टू की पावर कितना है माइनस वन तो माइनस वन एच इसमें जोड़ दूंगा तो ये प्राप्त हो गया एफ ए प्लस एन एच और माइनस वन एच प्लस इ e की पावर माइनस दो है तो माइनस टू एच कर देंगे यहां पर एफ ए प्लस एन एच और माइनस टू एच इसमें से एच कॉमन ले लेना तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच यही आ रहा है देख लो ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच तो ये यही तो मान है एफ ए प्लस एन एच माइनस टू एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच तो ये नेवला टू का मान है ठीक है इसी तरह से आप ए थ्री का मान लिख सकते हैं इसी को देख करके नेवला थ्री एफ ए प्लस एच अपॉन फैक्ट्रियल थ्री एच क्यू ए टू में फैक्ट्रियल टू आया था ए थ्री में फैक्ट्रियल थ्री आएगा और ए एन में फैक्ट्रियल एन आ जाएगा ए एन इक्वल टू नेवला एन ऑफ एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्ट्रियल एन और एच रेज टू दी पावर एन ठीक है ना एच की पावर बढ़ती जा रही है ए थ्री में थ्री आ रहा है ए फोर में एच की पावर चार आएगा और एन में एच रेज टू पावर एन तो सभी मान ज्ञात हो गए ए जीरो ए वन ए टू अपू एन ये सभी मान आप समीकरण नंबर एक में रख देंगे जो अपन समीकर ने समीकरण एक ली थी ये वाला जो अपन ने बहुपद डिफाइन किया था समीकरण एक में यहां ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन इन सभी के मान रख देंगे तो हमारा ये रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा यही रिजल्ट आ जाएगा तो आप देख लें इसमें रखने के बाद में सभी मान रख दिए यह हमारा रिजल्ट सिद्ध हो गया ठीक है अब इसका दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है अनोदर फॉर्म निकालें इस फॉर्मूले का तो दूसरा फॉर्म यदि निकालते हैं तो हम इसमें जैसे उसमें यू माना था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हमने u इक्वस टू डिफाइन किया था x माइनस ए अपॉन एच यू इक्वस टू एक्स माइनस ए अपॉन एच लिया था फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में बैकवर्ड में क्या लेंगे a के स्थान पर लास्ट मान यहां तो a मान आया था इसमें लास्ट मान क्या ए प्लस एन एच तो a के स्थान पर a प्लस एन एच रख देंगे यानी कि u टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच ये हम यू सपोज करेंगे बैकवर्ड में एक ही स्थान पर ए प्लस एनएच आ जाएगा तो हम क्या सपोज करेंगे ये वाला जो मान है एक्स माइनस ए प्लस एनएच अपॉन एच इसको यू सपोज कर लेना ये वाला मान तो देखते हैं अपन क्या आता है तो माना x माइनस ए प्लस एनएच अपॉन एच इक्वल टू यू इसको u मान लिया गया है जो फॉरवर्ड फॉर्मूला था उसमें x माइनस ए था या के स्थान पर a प्लस एनएच अंतिम मान आएगा a के स्थान पर a प्लस एन एच अपॉन एच इसको सिंप्लीफाई कर ले तो x का मान ये प्राप्त हो गया ए प्लस एनएच प्लस एच यू तो ये मान हम इस फॉर्मूले में जो अभी सिद्ध किया था उसमें रख देंगे ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देना एक्स के स्थान पर जो है क्या रखना है ए प्लस एनएच प्लस एच यू तो एफ एक्स इक्व एक्स के स्थान पर ए प्लस एन एच प्लस एच यू इक्वस टू एफ ए प्लस एनएच ये एफ ए प्लस एन एच है एफ ए प्लस एन एच प्लस ये वाला अपॉन एच इसको यू माना था तो ये यू बन जाएगा यू टू नेवला ऑफ एफ ए प्लस एनए अगले फॉर्मूले में क्या करना है ऐसे कर तो तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस ए और ये एनएच अपॉन एच वो तो यू बन जाएगा फिर ये जो बचेगा आपका ये माइनस माइनस प्लस एच ये बचेगा और अपॉन एच है तो वो एच कट जाएगा तो वन बन जाएगा ये मान यदि इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मान जो है आपन क्या लिख सकते हैं इसको इसको देखें एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक मान तो ये है दूसरा मान है x माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच अपॉन एच स्क्वायर एक एच इसके नीचे लिख देना एक एच इसके नीचे लिख देना समझ गए तो ये तो हमारा क्या बन गया u इसको तो अपन कर देंगे u ये वाला जो मान आएगा इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस ए प्लस एन एच और अपॉन एच फिर ये जो माइनस है ये माइनस वन एच ये ब्रैकेट का, का काम करता है ये बार ये ब्रैकेट एक तरह से इसको गुणा करेंगे तो एन एच माइनस एच आएगा और इस माइनस से ये प्लस हो गया एच अपॉन एच ये कट गया ये क्या हो जाएगा वन ये यू बन गया तो यू प्लस वन तो इसको जो है यू प्लस वन लिखा जा सकता है तो इस फॉर्मूले में यदि आप देखें तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया यू हो जाएगा नेक्स्ट यू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोर टू नेवला टू एफ ए प्लस एनएच इसी तरह से आगे प्लस यू यू प्लस वन यू प्लस टू अपॉन फैक्ट्रियल थ्री नेवला थ्री ये थ्री है नेवला थ्री एफ ए प्लस एनएच प्लस एंड सोन लास्ट मैन क्या होगा u u प्लस वन टू यू प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल तीन में तीन मान आए कहां से चालू हुआ u से स्टार्ट हुआ u प्लस वन और u प्लस टू इसे एक कम है फैक्टोरियल तीन है तो दो आ रहा है फैक्टोरियल एन है तो एन माइनस वन तक जाएगा यानी कि टोटल एन मान लेनेवला एन एफ ए प्लस एन एस तो ये इसकी दूसरी फॉर्म हो गई तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है इस फॉर्मूले से हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले वाले से हम कुछ सूत्र से क्वेश्चन करेंगे जो कि हम अगले लेक्चर में कराएंगे तो आज तो सिर्फ हम फॉर्मूला बता रहे हैं ये फॉर्मूला याद रखना है यही न्यूटन ग्रेगरी पस्ट अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है तो आप फॉर्मूला समझ गए होंगे तो ये हमारा इसका प्रूफ है और फॉर्मूला है इसका एक ऑल्टरनेट प्रूफ और है आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी प्रूव कर सकते हैं तो देख लीजिए ये फॉर्मूला दूसरा रूप इसका क्या है एफ एक्स और u इक्वस टू हमने क्या लिया था u इक्वस टू एक्स माइनस ए प्लस एनएच एक्स फॉरवर्ड में x माइनस ए था a के स्थान पर a प्लस h अपॉन एच इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए x का मान ज्ञात हो जाएगा ठीक है ना x इक्वस टू एच यू और ये वाला जो है ट्रांसपोज कर लेना x का मान आ गया a plus nh h u ठीक है इसको e ऑपरेटर में लिखेंगे e ऑपरेटर में मैं क्या लिख सकता हूं e रे टू दी पावर x का गुणांक क्या है u e रे टू दी पावर u f a plus nh अंतिम मान ये मान ऐसे कैसे रखना है कहीं आया चाहिए कॉमन ले लें साहब n plus u आ गया f ऑफ a plus nh यहां अंतिम जो मान है एक्स का वो रखना है एफ ए प्लस तो ई e की पावर यू आ जाएगा और ई रेज टू पावर यू को मैं इनवर्स ई ऑपरेटर में क्या लिख सकता हूं ई e इनवर्स और रेज टू पावर माइनस यू इसको सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा एफ ए प्लस एनएच अपन जानते हैं कि नेबला इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स होता है ये अपन जो है रिलेशन पहले सिद्ध कर चुके हैं इनवर्स इक्वल टू वन माइनस नेबला तो e इनवर्स तो e का मान रख दिया वन माइनस नेबला रेज टू पावर माइनस यू एफ ए प्लस एन एच और इसको आप जो है सोल्व कर लेंगे बायनोवेल थ्योरम से अपन कर सकते हैं जो अपन जानते हैं वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन उस फॉर्मूले से खोल लेना वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्ट्रेल टू इस तरह से आप जो है ना इस फॉर्मूले को जानते हैं उससे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो मैंने खोल करके बता रखा है वन प्लस एन इन एक्स होता है तो एन ये आ गए माइनस यू इन एक्स एक्स माइनस नेबला है प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्ट्रेल टू होता है तो एन के स्थान पर माइनस यू रख देना और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के स्थान पर माइनस नेबला का स्क्वायर इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए हल करने के बाद में ये प्राप्त हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है इधर से माइनस कॉमन लेना इधर से माइनस कॉमन लेना प्लस हो जाएगा यू यू प्लस वन हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल टू और ये माइनस नेबला का स्क्वायर करेंगे तो ये वैसे प्लस हो जाएगा नेक्स्ट में यहां से माइनस कॉमन आएगा ये माइनस कॉमन आएगा ये माइनस कॉमन आएगा और ये भी माइनस होगा क्यूब है तो सारे प्लस के हो जाएंगे u so on f a plus n प्लस f a plus n एनएस से ऑपरेट करा देना तो यही फॉर्मूला बन जाएगा ये इसका अल्टरनेट प्रूफ है ठीक है और एग्जाम में यदि प्रूफ पूछते हैं तो मैं तो पहले वाला जो प्रूफ है उसको सजेस्ट करूंगा उस प्रूफ को आप करें ठीक है अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम अगले जो है लेक्चर में बताएंगे chica thank you